हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। सभी साथी जल्दी से आ जाइए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जो भी आपके साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन सभी साथियों को आप लोग बुला लीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आ सकें, वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है भैया, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग आओ भाई सभी साथी। ठीक है, चलो जी। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है भैया, इंदौर है ना। यदि क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर देना बड़े आराम से, और क्या ही है भाई। यदि क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कर देना बड़े आराम से। चलो जी, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग आ जाओ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे और सारी चीजों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि आप सभी को क्या करना भैया, इस बैच के बारे में बहुत अच्छे से समझना है भाई। जो भी बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? विक्रमादित्य बैच चलाया गया है। कौन सा मेरे भाई? विक्रमादित्य बैच चलाया गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एमपीएसआई के लिए चलाया गया है। इसकी जो फीस रखी गई है वो कितनी है भैया, आपकी 799 इसकी फीस है। कितनी है? 799 क्या रहेगी इसकी फीस रहेगी। ठीक है, जब आप लोग कोर्स परचेस करो तो आपको क्या करना है, MP60 कोड यूज करना है। क्या? MP60 कोड यूज करना है। अब ये परचेस कहाँ से होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या पढ़ना करना पड़ेगा? एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग क्या करते हैं, इसका आंसर कर दो। बांग्ला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, सब लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे भाई। बांग्ला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, सब लोग आंसर बता दो इसका। फिर हम लोग क्या करते हैं और आगे समझते हैं। तरफ राजस्थान से हो क्या? नहीं, राजस्थान से नहीं है भाई, हम यूपी से हैं। यूपी मतलब झांसी से हैं हम। कहां से? झांसी से। तो झांसी वाला जो पार्ट है ना, वहां से है, जो आपका यूपी और एमपी का बॉर्डर है। तो हम आपके बॉर्डर से हैं, यानी बुंदेलखंड से हैं हम। कहां से हैं? बुंदेलखंड। ठीक है भाई, तो बांग्ला महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताओ जल्दी से आप लोग। चलो जी, देखो आप लोग सोचोगे ये तो भैया पश्चिम बंगाल का त्योहार है, तो भैया ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है धूमधाम से। कौन सा? दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। समझ गए आप लोग बात को? कौन सा? दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। जो मेघालय है मेरे भाई, जो मेघालय है, मेघालय में कौन सा बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा? बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है भाई, कौन सा? बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जो असम है मेरे भाई, असम में क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और जो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, और जो असम है यहाँ पे बिहू त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? बिहू त्योहार मनाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे माजुली महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? माजुली महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर है ये बात, क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका भैया बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर आप लोग क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया? बी लगा देंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये देखो, ठीक है, इसका आप लोग आंसर कर दो मेरे भाई, करो। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा, या इसका द्रव्यमान बदलेगा परंतु भार नहीं बदलेगा, या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, या भार और द्रव्यमान दोनों ही बदल जाएंगे, बताओ जरा। ऐसा जब हम किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पे लाते हैं तो उसका क्या होगा भैया? भार बदल जाएगा, द्रव्यमान थोड़ी ना बदलेगा। उसका क्या बदलेगा? भार बदलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई, आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा। परफेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर करो आप लोग। गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है?
गोताखोर जो हमारे समुद्र में डुबकी लगाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे बांध कर ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ वो कौन सी गैस मिलाते हैं ये आपको क्या करना है बताना है, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन के साथ वह कौन सी गैस को मिलाते हैं, हीलियम, जीनोन, या आपका अमोनिया, या फिर आपका नाइट्रोजन, जल्दी से आप लोग बताओ। तो वो क्या कौन सी गैस हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हीलियम गैस हो जाएगी, क्योंकि जो हीलियम गैस है ये क्या है, सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है मेरे भाई, ये क्या है, सबसे हल्की गैस है। ये आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट करना है, ठीक है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या है, एच ही होता है इसका प्रतीक चिन्ह। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु भार इसका 4 होता है हीलियम का, ठीक है भैया। ये क्या है, सबसे हल्की गैस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा। हीलियम को भैया वायुयान के टायरों में भरा जाता है, किसमें, वायुयान के टायरों में, टायरों में क्या किया जाता है, भरा जाता है, जो हीलियम गैस है उसको वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक है। इसी को गुब्बारों में भरा जाता है, गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है, गुब्बारों में भी भरा जाता है, समझ गए आप लोग बात को। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, परफेक्टली जिसका भी आंसर आ रहा है ए बिल्कुल सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखो, निम्नलिखित में से मनुष्य का कौन सा अंग क्या है, अवशेषी अंग नहीं है। ऐसा कौन सा अंग है मनुष्य का जो क्या है, अवशेषी अंग नहीं है, ये आप लोग क्या बताओ, जल्दी से बताओ। और भैया क्लास को आप लोग लाइक कर दो, क्लास को क्या कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो। ऐसा कौन सा अंग है जो मनुष्य का क्या है, अवशेषी अंग नहीं है, बताओ जल्दी से आप लोग। मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग हो जाएगा जो अवशेषी अंग नहीं है, तो जो कृंतक दांत हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, अवशेषी अंग नहीं है, परफेक्टली आंसर डी, ठीक है भाई। ये बताओ आप लोग, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था, ये आपको क्या करना है बताना है। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन भैया कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में हुआ था, बताओ जल्दी से। तो कनिष्क के अजातशत्रु या अशोक, या फिर क्या हो जाएगा, कालाशोक, ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, और चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी, कौन सी चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहोगे प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी भैया, तो ये 483 BC में हुई थी, 483 BC में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में हुई थी, 383 BC में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगति 251 BC में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति भैया प्रथम शताब्दी में हुई थी, ठीक है, समझ गए आप लोग बात को। अब भैया पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी, स्थान, तो भैया स्थान के लिए हमने ट्रिक बताई है रवा पका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा राष्ट्र, हो जाएगा राजगृह, वास हो जाएगा वैशाली, पास हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है, और कास हो जाएगा कुंडल वन कश्मीर, जो कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये पहली संगति का स्थान है, ये दूसरी संगति का स्थान है, ये तीसरी संगति का स्थान है, और ये चौथी संगति का स्थान है, ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि पहली संगति के टाइम पे राजा कौन था, दूसरी संगति के टाइम पे राजा कौन था, तीसरी संगति के टाइम पे राजा कौन था, और चौथी संगति के टाइम पे राजा कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया हमने एक ट्रिक और बनाई है, अका हमने एक और ट्रिक बनाई है, कौन सी, अका आ से हो जाएगा भैया अजात शत्रु, जो भैया क्या है पहली बौद्ध संगति का राजा था, ये दूसरी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा, ये तीसरी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा, और ये चौथी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा कालाशोक, और तीसरी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा अशोक, और चौथी बौद्ध संगति का राजा हो जाएगा भैया कनिष्क हो जाएगा।
तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि चौथी बौद्ध संगति ये कहाँ पे हो रही है? चौथी बौद्ध संगति हो रही है कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में हो रही है। और यहाँ पे देखा कि चौथी बौद्ध संगति का राजा कौन है? कनिष्क है। चौथी बौद्ध संगति का राजा कौन है? कनिष्क है। तो आंसर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। आंसर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। ठीक है, यानी पहली बौद्ध संगति का राजा कौन था? अजात शत्रु था। अजात शत्रु था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति का राजा कौन था? काला शोक था। काला शोक था। दूसरी बौद्ध संगति का राजा काला शोक था। तीसरी बौद्ध संगति का राजा कौन था भैया? अशोक था। अशोक था। चौथी बौद्ध संगति का राजा कौन था भैया? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कौन था मेरे भाई? कनिष्क था। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो आंसर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। आंसर क्या लगा दोगे मेरे भाई? ए लगा दोगे। ठीक है भैया, समझ गए आप लोग बात को? बिल्कुल सही है ना। आपस में कृपया आप लोग बातें ना करें। हरिवंश राय बच्चन जी, प्रतीक्षा रावत, आपस में आप लोग बातें ना करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। आपस में बातें ना करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, इसका आंसर कर दो आप लोग। ये इसका आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का क्या है? एक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का क्या है भैया? एक बंदरगाह है। ये आपको क्या करना है? बताना है, तो बताओ जल्दी से आप लोग। तो हड़प्पा का बंदरगाह हमने आपको बताई थी एक ट्रिक, लोभी। लोभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। लो से हो जाएगा लोथल और भा से हो जाएगा भोगवा नदी। भोगवा नदी है ना, क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। तो भैया जो लोथल है ये एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का, जो कि कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और ये कहाँ से मिला है? ये गुजरात से मिला है। गुजरात से मिला है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। कांडला बंदरगाह है, ये भी हमें कहाँ पे? ये भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? ये मेरे भाई आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ पे? उड़ीसा में हो जाएगा मेरे भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। आंसर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो, बताओ, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को क्या उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को क्या उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो जो भैया संविधान की प्रस्तावना है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना में जो न्याय है इसकी अवधारणा। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? अब आप लोग बताओ। तो प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से ली गई है। और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। कब? 1917 में हुई थी। ठीक है, और इसी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है भैया, तो जो प्रस्तावना है मेरे भाई, ये पूजा की समानता नहीं देता है, पूजा की स्वतंत्रता देता है कि आप किसी की भी पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जैन धर्म अपनाओ, चाहे बौद्ध धर्म अपनाओ, चाहे आप हिंदू धर्म अपनाओ, चाहे सिख धर्म अपनाओ, कोई भी धर्म अपनाओ, किसी भी धर्म का प्रचार करो, किसी भी धर्म की पूजा करो। लेकिन हमारे जो संविधान है वो ये नहीं कहता है कि आप सबको हिंदू धर्म अपनाना है, आप सबको बौद्ध धर्म अपनाना है, आपको एक ही प्रकार की पूजा करनी है। ये कोई कहता है? नहीं कहता है। तो पूजा की समानता नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो जी, आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट सम्मेलन में विवेकानंद ने भाग लिया था, उसका आयोजन कब हुआ था? तो उसका आयोजन हुआ था मेरे भाई सितंबर में हुआ था। कहां पे? सितंबर में। तो सितंबर तो सब है, लेकिन उसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भैया, सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में। कहां पे? अमेरिका
अमेरिका की शिकागो में क्या हो रहा था, धर्म सम्मेलन हो रहा था, जहां पे कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे, ठीक है भैया, कौन गए थे, स्वामी विवेकानंद गए थे, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या किया भैया, वो भारत आए, कहां आए, भारत आए, भारत आए, और उसके बाद 1897 में, 1897 में क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी, ठीक है भैया, क्लियर है। ये कब, ये किसके द्वारा की गई, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद है, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, ये भी आपको क्या करना है मेरे भाई, नोट करना है, ठीक है। 1896 में क्या हुआ था, 1896 में पहली बार भैया राष्ट्र ओलंपिक खेले गए थे, ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, यानी पहली बार क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था भैया, कब, 1896 में हुआ था, ठीक है भैया, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था कहाँ पे, कलकत्ता में गाया गया था, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है 1896 से, ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं और 1896 में क्या हुआ था, 1896 में भैया जो हमारी अंडमान निकोबार में जो जेल है, जिसका नाम है भैया सेल्यूलर जेल, उसका निर्माण हुआ था, सेल्यूलर जेल का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जिसको कहा जाता है काला पानी की सजा, ठीक है। 1897 भी हम, ये हमने पढ़ लिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, है ना, ये इसका आंसर करो आप सभी लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा दी जाती है, या कितनी वर्ष की सजा देने का क्या है प्रावधान है। यदि कोई ऐसा शादीशुदा परिवार है और उसमें दहेज के कारण आपने किसी पत्नी को मार दिया या पत्नी की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में जिसने मारा है उसको कितने साल की सजा दी जाएगी, कम से कम कितने साल की सजा दी जाएगी, बताओ जल्दी से कम कितने साल की सजा दी जाएगी, तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की सजा दी जाएगी, कितने साल की, 7 वर्ष की सजा दी जाएगी, ठीक है। ये किसमें कहा गया है भैया, धारा 304 का बी पार्ट में कहा गया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भैया आपका, अगला क्वेश्चन ये देखो, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था, 1927 में जो हमारी बटलर कमेटी आई थी उसका उद्देश्य क्या था, सरकारी तथा देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना, या भारतीय सेना का आधुनिकरण करना, या भारतीय कृषि का आधुनिकरण करना, या फिर राष्ट्रीय समाचार पत्रों का लागू करना। तो आंसर आ जाएगा भैया, जो हमारी बटलर कमेटी आई थी 1927 में, उसका जो हमारा उद्देश्य था वो था सरकारी तथा देशी रियासतों के संबंधों को सुधारना। हमारी सरकारी और देशी रियासतें क्या थी उस टाइम पे, बिगड़ी हुई थी, है ना, हम सोच रहे थे हमें आज़ादी मिल जाए, और वो सोच रहे थे जी हमारे मतलब गुलाम रहे, ठीक है भाई, इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, ये आपको क्या करना है बताना है, मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है। मसालों का बागान कहा जाने वाला भारत का जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है मेरे भाई, ठीक है। तो केरल के बारे में ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ लो, केरल में क्या है, चेराई बीच है, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान है, अनामोड़ी सोला राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान है, है ना, ये कुमारकोम तो दो बार आ गया, कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है, इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कहाँ पे भैया, केरला में, कहाँ पे, केरला में। इसका आंसर कर दो भैया, कौन सी वो मिट्टी है, है ना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है,
जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर लैटराइट मृदा, है ना? तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी वो हमारी? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो भैया नमी को रोक सकती है? तो नमी को रोकने वाली ना तो जलोढ़ मृदा है और ना लाल मृदा है, केवल और केवल काली मिट्टी ऐसी है जो नमी को ज्यादा टाइम तक रोक सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सी, लैटराइट मृदा। आप लोग जानते हैं जो लैटराइट मृदा है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? ये केरल में पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में पाई जाती है। अब ये लैटराइट मिट्टी होती कौन सी है? ये वो मिट्टी होती है जो पानी में नहीं घुलती है। इसको पानी में डाल दो, इसको पानी में डाल दो तो ये घुलेगी नहीं। ये जो नदियों के नीचे बनी रहती है मिट्टी, वो मिट्टी होती है लैटराइट मिट्टी। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इसका आंसर। परफेक्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? निम्नलिखित में से लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है बताओ मेरे भाई? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर, पहले उपराज्यपाल कौन है? तो आप कहोगे भैया गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के वर्तमान कौन है? वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। लद्दाख, लद्दाख के बारे में समझते हैं। लद्दाख जो लद्दाख है मेरे भाई, तो लद्दाख के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर, सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सही है यार। क्वेश्चन का नंबर भी तो डालते जाओ भैया मेरे, क्वेश्चन का नंबर भी तो डालते जाओ। तो आंसर ए आ जाएगा आपका परफेक्टली। क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कर दो इसका आंसर। भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है ये आपको क्या करना है, बताना है। भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? केन्या से, वेनेजुएला से, या कैमरून से, या फिर कोस्टा रिका से, या फिर किससे? कोस्टा रिका से, बताओ जल्दी से। तो भूमध्य रेखा मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो डिग्री रेखा, इक्वेटर। ये केन्या देश से होकर गुजरती है और केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे भाई? नैरोबी हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देखो हम आपको बताते हैं जो भूमध्य रेखा है इसके बारे में। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने? 13 देशों से होकर गुजरती है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो भूमध्य रेखा है वो 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, है ना? यानी 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है, ठीक है? तो भूमध्य रेखा इन देशों से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, है ना, साओ टोम और प्रिंसिपे और गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, तो बस केन्या ही तो हमें पता करना है, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो ये वो देश हो जाएंगे जिन देशों से होकर भैया हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। नोट कर लो, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? नोट कर लो, ये पूछा जाएगा आपसे। अब बात आती है कि केन्या आखिर है कहाँ पे? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? केन्या है। और ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा भैया? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। समझ गए आप लोग बात को? तो आंसर क्या लगाओगे भैया? आंसर लगाओगे आप लोग केन्या, ठीक है? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कर दो इसका आंसर। बताओ जल्दी से, रिंग ऑफ फायर संबंध है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? बताओ जल्दी से। तो भूकंप से है, बिल्कुल है भूकंप से रिंग ऑफ फायर का संबंध। ज्वालामुखी से है, बिल्कुल है ज्वालामुखी से संबंध, ठीक है भैया? और प्रशांत महासागर से है, प्रशांत महासागर से भी रिंग ऑफ फायर का संबंध। लेकिन जंगल की आग से है, तो जंगल की आग से रिंग ऑफ फायर का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है भैया, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एबीसी, एबीसी तीन में है। आंसर क्या आ जाएगा? तीन लगाओगे आप लोग आंसर परफेक्टली, ठीक है? आंसर क्या लगा दोगे आप लोग भैया? सी लगा दोगे। नेक्स्ट, अच्छा ये आंसर बताओ आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ आप सभी लोग। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है।
आयरलैंड से, आयरलैंड से क्या लिया गया मेरे भाई, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, डीपीएसपी लिया गया है, क्या डीपीएसपी लिया गया है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और ये संविधान के किस भाग में स्थित है, संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग चार में है, किस आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के बीच इनका क्या दिया है, वर्णन दिया है, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है भैया, समझ गए। अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने भैया फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है। और ये संविधान के किस भाग में है, ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर भैया ये तीन में है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के मध्य इनका क्या दिया है, वर्णन दिया है फंडामेंटल राइट्स को। और फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कहा जाता है भैया, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। अब आप कहोगे सर जी मैग्ना कार्टा क्या है, तो जो मैग्ना कार्टा नाम से, मैग्ना कार्टा नाम से ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 1612 में, 1612 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र जारी किया गया था, जिस पत्र में जनता के अधिकार लिखे थे, जनता, जनता के अधिकार लिखे थे, अधिकार, अधिकार लिखे थे, जनता के क्या लिखे थे, अधिकार लिखे थे। तो इनमें फंडामेंटल राइट्स में हमारे अधिकार लिखे हैं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, मैग्ना कार्टा है, क्योंकि ये मैग्ना कार्टा भैया 1612 में ब्रिटेन में पेश किया गया था, इसीलिए हमने उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, किसकी, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, ठीक है। मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया बी आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भैया। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है, संसदीय, संसदीय प्रणाली ली है, और भैया एकल नागरिकता ली है, एकल, एकल नागरिकता ली है, ये भी आपको नोट करना है। कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं, संघात्मक, संघात्मक विशेषताएं ली हैं, विशेषताएं, विशेषताएं ली हैं, है ना, क्या लिया है, संघात्मक विशेषताएं ली हैं। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, आंसर बी लगा दोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो ये भैया हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ देश हो जाएंगे जहां से संविधान का हमने कुछ ना कुछ लिया है, अडॉप्ट किया है। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है, कनाडा से हमने क्या लिया भैया, कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं, फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन लिया है, ठीक है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व, दक्षिण अफ्रीका से भैया हमने संविधान का संशोधन लिया है, अमेरिका से हमने भैया मौलिक अधिकार लिए हैं, और काफी चीजें ली हैं अमेरिका से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महाभियोग, है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ति सूची ली है, और ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण और एकल नागरिकता, विधि निर्माण मतलब संविधान का निर्माण टाइप का, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। तो ये 9 के 9, 10 के 10 देश आप लोग क्या कर लो, याद कर लो, और ज्यादातर एग्जाम में यहीं से आता है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्लास को सब लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, लाइक कर देंगे, क्लास को सब लोग क्या कर देंगे मेरे भाई, लाइक कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है, ऐसा कौन सा विषय है जो धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है, बताओ ऐसा कौन सा विषय है जो धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। भैया देखो धन विधेयक आप लोग समझ रहे हैं, धन विधेयक, धन विधेयक के मामले में कौन बड़ा होता है, धन विधेयक के मामले में भैया लोकसभा बड़ा होता है, लोकसभा, लोकसभा बड़ा होता है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कितने दिन तक बहस कर सकता है, तो 14 दिन तक बहस कर सकता है, इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकता है, ठीक है भैया, समझ गए। धन विधेयक के उपबंध में, तो देखो कर के, कर से संबंधित जो हमारा उपबंध है, कर से संबंधित जो हमारा पैसा आता है वो भी धन विधेयक में जाता है। ऋण लेने, यदि आपको कहीं से ऋण लेना है, ऋण लेने से संबंधित है ना, जो हमारे ऋण वगैरह लेते हैं हम लोग, तो वो भी धन विधेयक से संबंधित पैसा है। संचित निधि और आकस्मिक निधि, इसका भी जो पैसा है वो भी किससे संबंधित होता है, धन विधेयक से संबंधित होता है। तो इन तीनों का पैसा धन विधेयक से संबंधित होता है। लेकिन जब आप कभी जुर्माना लगाते हैं, जैसे कि आपने थूक दिया तो थूकने का 200 रुपए जुर्माना, आपने स्टेशन पे कुछ खाया और वो फेंक दिया तो उसका 500 रुपए जुर्माना, इस टाइप का जो जुर्माना का जो पैसा लगता है वो धन विधेयक में नहीं जाता है। दंड का जो पैसा लगता है वो जुर्माना धन विधेयक में नहीं जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 14 है, हाँ जी 18 है।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बिल्कुल सही है। महादेव की लड़की है भैया, महादेव की लड़की है ये, हैं इसने तो महादेव भी बना रखे हैं भैया, दोनों तरफ फूल लगा रखे हैं भैया, बहुत बढ़िया, फूलों का रंग गुलाबी है भैया, अरे वाह लड़की, वारी लड़की, वारी लड़की, बहुत बढ़िया। चलो जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी, जो अशोक मेहता समिति थी उसने किस चीज की सिफारिश की थी, आपको क्या करना है बताना है, बताओ जल्दी से। अशोक मेहता समिति ने किस चीज की सिफारिश की थी? एक आई थी बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति एक आई थी बलवंत राय मेहता समिति, इसने कहा था कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। एक तो जिला पंचायत, दूसरा हो जाएगा क्षेत्र पंचायत, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, और तीसरी होनी चाहिए हमारी ग्राम पंचायत। तो ये तीन प्रकार की त्रिस्तरीय हमारे भारत में पंचायती सिस्टम होना चाहिए। तो यही है, यही पंचायती सिस्टम है, लेकिन अशोक मेहता समिति ने कहा था कि हमारे भारत में द्विस्तरीय पंचायती सिस्टम होना चाहिए, तो ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है, लेकिन यही अशोक मेहता समिति ने कहा था, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। ये लेकिन हुआ नहीं है, बात किसकी मानी गई? इसकी बात मानी गई। आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग नंबर 9 है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 है। कौन सी अनुसूची है, शेड्यूल है? तो शेड्यूल नंबर 11 है। शेड्यूल नंबर 11 में भैया पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय हैं। क्लियर है ये बात, आपको समझ में आ गई? अरे परफेक्ट है, बिंदास है, लाजवाब है। चलो जी बताओ, डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सब लोग बताएंगे कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है। बहुत बढ़िया, महादेव की लाडली या महादेव की लड़की, बहुत बढ़िया। फोटोग्राफर निक, 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था राजस्थान से, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर को, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। महादेव की लाडली 29 सब्जेक्ट हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। भरत मंगल, जल्दी से आप लोग आंसर करो, सभी विषय, सभी विद्यार्थी, ठीक है, तो बताओ जल्दी से। एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, एक बार क्लास को क्या कर दो? लाइक कर दो मेरे भाई, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे हैं भाई? समझ गए, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बिल्कुल सी आंसर दे रहे हैं। तो भैया डिंग एक्सप्रेस कहाँ, भैया इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमादास बोलते हैं। और ये डिंग एक्सप्रेस कहाँ की थी? तो ये भैया असम की थी। कहाँ की थी? असम की थी, क्लियर है। और ये वही असम है जिसका पुराना नाम है कामरूप। तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। और कामराज किसको कहा जाता है? कामराज, कितना खतरनाक नाम है, कामराज किसको कहा जाता है? कामरूप, असम का पुराना नाम था कामराज, जो कार्यों का राज, कार्यों पर राज करता हो या कामराज। आंसर क्या आ जाएगा? सी, बताओ भाई। तो असम का है तो भाई समझो मेरी बात, असम के सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है भैया। और असम में डिब्रूगढ़ सैखोवात राष्ट्रीय उद्यान है, और आकाशी गंगा जलप्रपात है भैया, और कांको चांग जलप्रपात है भैया, चपनाला जलप्रपात है भैया, काजीनंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, और मानस नेशनल पार्क है। कौन सा? मानस नेशनल पार्क है, समझो मेरी बात को। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है मेरे भाई, ये एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले
और गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो भैया काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक सिंह वाला गेंडा असम का, असम का राजकीय पशु है, राजकीय पशु है। एक सिंह वाला गेंडा क्या हो जाएगा, असम का राजकीय पशु भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका आंसर आप लोग बताओ। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाते हुए, या संबंधित राज्य की सहमति से, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, या राज्य जब राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दे। तो देखो, एक तो होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। यदि अंतरराष्ट्रीय समझौता चल रहा है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय पर कानून बना सकती है। यदि अंतरराष्ट्रीय समझौता चल रहा है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के विषय पर कानून बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति, यदि राज्य ने ही सहमति दे दी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कहते नहीं है कि मैं भी राजी तुम भी राजी, तो क्या करेगा मुल्ला काजी। भाई जब राज्य ही राजी है, राज्य खुद कह रहा है कि आप मेरे लिए कानून बनाओ, तो भैया केंद्र राज्य के लिए कानून बना देगा। ठीक है भैया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची में जो विषय है उस पर कानून बना सकती है केंद्र सरकार। ठीक है भाई। जब राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दे तो भी कानून बन सकता है, यानी सब सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, जिसका भी आंसर डी आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अब आ जाओ हम बात करते हैं किसकी भैया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की। ये क्या है, संघ सूची है। ये क्या है, संघ सूची है। संघ सूची में पहले कितने, 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में भैया 100 विषय हो गए, यानी 100 विषय पर कौन कानून बनाएगा, संघ सूची कानून बनाएगी। ठीक है, संघ सूची में कौन कौन से मुख्य विषय है, जैसे सुरक्षा, सुरक्षा से संबंधित जब भी कानून बनता है तो केंद्र सरकार बनाती है ना। स्टॉक मार्केट से संबंधित केंद्र सरकार कानून बनाएगी। विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधियां, विदेशी ऋण, बैंकिंग, जल वायु, रेल परिवहन और जनगणना, और अंतर्राज्यीय नदियां, ये जो हमारे विषय हैं, यदि इनसे संबंधित जब भी कानून बनेगा तो वो केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक है भाई, समझ गए। अब आते हैं किस पर, राज्य सूची पर। राज्य सूची पर तो राज्य सूची के पास पहले कितने विषय थे, तो मेरे भाई राज्य सूची के पास पहले कितने विषय थे, है बताओ जरा। राज्य सूची के पास पहले भैया 61 विषय थे, नहीं, राज्य सूची के पास पहले कितने, राज्य सूची के पास पहले 66 विषय थे, लेकिन इसमें आज कितने हैं, आज इसमें भैया 61 विषय हैं। आज कितने हैं, 61 विषय हैं। ठीक है, 5 कम कर दिए, कितने, 5 कम कर दिए गए, और ये 5 किसमें मिला दिए गए, समवर्ती सूची में मिला दिए गए। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि किस सूची का विषय है, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट किससे संबंधित हैं, ये भैया राज्य सूची से संबंधित हैं। जब भी पुलिस से लेकर नियम बनेगा तो राज्य सरकार बनाएगी, जब भी न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, इनसे संबंधित कानून बनेगा तो कौन बनाएगी, भैया राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। कौन, राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, बात करते हैं समवर्ती सूची के ऊपर। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं इसमें केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। तो पहले इसमें कितने, 47 विषय थे, 47। पहले इसमें कितने विषय थे भैया, पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 52 विषय हो गए, कितने, 52। तो अब देख लो जरा कितने ऐड हो गए, 5 ऐड हो गए, 5। तो 5 विषय ये कौन से जुड़े, ये इसके कम करके इसमें जोड़ दिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा से जब भी कानून बनेगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद से ही बनेगा। मजदूरी संगठन, जनसंख्या नियंत्रण,
राष्ट्रीय जलमार्ग और जंगल, ये जो हमारे मुख्य इम्पोर्टेंट विषय हैं, ये किससे संबंधित है मेरे भाई? ये हमारी समवर्ती सूची से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस किस सूची का विषय है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस किस सूची का विषय है, या बैंकिंग किस सूची का विषय है, या स्टॉक मार्केट किस सूची का विषय है। तो ये आप लोग लिख लो, आप लोग पहले इनको एक एक से दो एक मिनट के अंदर अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी, तो वही तो हमने आपको बताया है, चाहे पुलिस हो या जेल हो या न्याय हो या सिंचाई हो, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। किसके हैं? राज्य सूची के विषय हैं। इसको आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। करो इसका आंसर। प्राचीन समय में बर्मा किस देश को कहा जाता था? प्राचीन समय में बर्मा किस देश को कहा जाता था, यह आपको क्या करना है बताना है। प्राचीन समय में बर्मा किस देश को कहा जाता था? भूटान को, म्यांमार को, मालदीव को, या फिर अफगानिस्तान को? तो प्राचीन समय में बर्मा किसको कहा जाता था? म्यांमार देश को कहा जाता था, म्यांमार। और म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था? बर्मा था। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था? बर्मा था मेरे भाई, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नाव पीताओ, नाव पीताओ, ठीक है भैया। और म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? म्यांमार की मुद्रा हो जाएगी क्यात। क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। ये भी आपको नोट करना है। जो म्यांमार है वो भारत की सीमा से लगा हुआ है, भारत की पूर्वी सीमा से स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। जो म्यांमार है वो भारत की पूर्वी सीमा से क्या करता है? स्पर्श करता है। तो भारत के कितने राज्यों से लगता है म्यांमार? भारत के चार राज्यों से लगता है। कितने? भारत के चार राज्यों से लगता है। अब इन राज्यों की क्या है? एक ट्रिक है। राज्यों की क्या है? एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है समझो भैया। म्यांमार के अरुण ने नागमढ़ी का मजाक उड़ा दिया। म्यांमार के अरुण ने नागमढ़ी का मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ा दिया। तो देखो, म्यांमार के अरुण ने नागमढ़ी का मजाक उड़ा दिया। म्यांमार के अरुण ने नागमढ़ी का मजाक उड़ा दिया। तो अरुण से हो जाएगा भैया मेरे अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसी को हम लोग नेफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नेफा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ना से हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मणि से हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर हो जाएगा, ठीक है भैया। और मजाक से हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो ये वो भैया हमारे राज्य हो जाएंगे, ये वो चार राज्य हो जाएंगे जो म्यांमार की सीमा से लगते हैं, म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। अभी वर्मा जी से मत बोलो भैया, वर्मा जी अभी थोड़ा सा मूड में नहीं है अभी वो बात करने के, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई तो आंसर क्या आ जाएगा आपका भैया? आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ये देखो, सार्क का सदस्य नहीं है, बताओ सार्क का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सार्क, सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई थी? स्थापना सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर, तो सार्क का हेडक्वार्टर भी ये काठमांडू में, काठमांडू में, काठमांडू में। और ये काठमांडू कहां पे है? नेपाल में है, नेपाल। तो ये सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे हो गया? काठमांडू में हो गया।
अब इस सार्क का सदस्य देश नहीं है कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। सार्क का जो सदस्य देश नहीं है वो क्या नहीं है? म्यांमार नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? जो सार्क का सदस्य देश नहीं है वो क्या नहीं है? म्यांमार नहीं है। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। अंजलि पाल, अंजलि ठाकुर, आरती पाल, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या देखा कि सार्क का सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कहां पे? आगे चलते हैं, और कहीं नहीं जाना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए सार्क का प्रथम सम्मेलन कहां पे हुआ था? प्रथम सम्मेलन सार्क का प्रथम सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो आप कहोगे बांग्लादेश के ढाका में। अरे ढाका लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप पहचान ही जाओगे। ढाका, बांग्लादेश के ढाका में क्या हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में। चलो जी, अब ये क्या हो जाएंगे? सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो जाएगा मेरे भाई, नोट करते जाना। ठीक है आप लोग, अफगानिस्तान। अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। भूटान हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंडिया यानी भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। ठीक है भाई, मालदीव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेपाल हो जाएगा। नेपाल को तो होना जरूरी है क्योंकि उसी में तो इसका हेडक्वार्टर है। ये हो जाएगा पाकिस्तान। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका। तो ये आठ देश क्या हैं भैया? हमारे सार्क के प्रमुख देश हैं। इनको आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। ये आठ देश हमारे सार्क के क्या हो जाएंगे? प्रमुख देश हो जाएंगे। इनको आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये भैया सार्क के सदस्य देश हैं। ये क्या है? सार्क के सदस्य देश हैं। और सबके क्या बने हैं? फ्लैग बने हैं। सबके क्या बने हैं? झंडे बने हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन कर दो आप लोग। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बताओ, बुद्ध ने, मतलब गौतम बुद्ध की बात कही गई है। किसकी? गौतम बुद्ध की बात कही गई है। तो जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था भैया। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? श्रावस्ती विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अब इसका नाम कर दिया गया पूर्णिमा को, बुद्ध पूर्णिमा कहने लगे। पूर्णिमा के दिन की इनकी क्या हुई थी भैया? पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, लेकिन कहाँ पे? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भैया निरंजना नदी के किनारे, या उसी का नाम है पुनपुन नदी है। ठीक है भैया, या उसी का नाम है फाल्गु नदी। तो इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, गुप्त, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे,
सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिस, न्यूमिस्मैटिस कहा जाता है, मिसमैटिस, न्यूमिस्मैटिस कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला रुपया किसने चलवाया था, रुपया भारत में सबसे पहला रुपया किसने चलवाया था, तो शेर खान ने चलवाया था, किसने, शेर खान ने चलवाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बोलते हैं, और इसी को महाराजा धीराज बोलते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त वंश की स्थापना की थी, गुप्त, गुप्त वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, किसने, श्रीगुप्त ने, ये भी आपको नोट करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सती प्रथा कहाँ से शुरू हुई, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे गुप्त वंश से क्या की गई थी, सती प्रथा की शुरुआत की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त, इसके शासनकाल में नौ रत्न रहा करते थे, कितने, नौ रत्न, नौ रत्न यानी नौ दरबारी रहा करते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमसे, ठीक है। तो आंसर क्या लगाएंगे भैया, सी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपको हमें बताना है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, ईरान, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, और दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, इनके आंसर आपको हमें बताने हैं, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, नादिर शाह को कहा जाता है, ये वही नादिर शाह है जिसने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत मारा था और उससे कोहिनूर का हीरा छीन कर ले गया था, उससे कोहिनूर का हीरा छीन कर ले गया था, ठीक है भाई। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है भैया, बताओ, तो दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है राजेंद्र चोल को, राजेंद्र, राजेंद्र चोल को कहा जाता है, चोल को, यानी ये चोल वंश का राजा था राजेंद्र चोल, ठीक है। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर रखा था, इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत रखा था, संपूर्ण श्रीलंका को गुलाम बना रखा था इसने, समझ रहे हैं आप लोग बात को, बहुत बढ़िया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चोलवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे विजयालय ने, किसने, विजयालय ने चोलवंश की स्थापना की थी, ये तमिलनाडु में चला था। 13वीं और 14वीं ईस्वी में भारतीय किसान की खेती नहीं करते थे, तो भैया 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान किसकी खेती नहीं करते थे, इसका आप लोग क्या बात करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे, तो मक्का की या चावल की या जौ की या फिर किसकी, गेहूं की, बताओ जल्दी से, किसकी खेती नहीं करते थे। तो भैया देखो, चावल की खेती तो होती थी, ये तो सिंधु सभ्यता में होती थी, जौ की खेती भी सिंधु सभ्यता में होती थी, और गेहूं की खेती भी सिंधु सभ्यता में होती थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, मक्का आ जाएगा। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने आपको एक क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी, ट्रिक, और ट्रिक क्या थी, जब गोरी चली, जब गोरी चली, ये ट्रिक बताई थी हमने कि नहीं बताई थी, तो ये सारी चीजें हमें सिंधु सभ्यता में पाई गई हैं। जा से क्या हो जाएगा, जौ, जौ, और वा से हो जाएगा वनावली, वनावली, यानी हमें ये पता चलता है कि जौ के साक्ष्य हमें वनावली से मिले हैं। गो से क्या हो जाएगा, गेहूं, गेहूं, और रा से क्या हो जाएगा, रंगपुर, रंगपुर, यानी हमें ये पता चला है कि गेहूं के साक्ष्य हमें रंगपुर से मिले हैं। चा से क्या हो जाएगा, चावल, चावल, और ला से क्या हो जाएगा, लोथल, लोथल, तो भैया चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। तो ये जो सारी फसलें हैं ये उगाई जाती थी, लेकिन मक्का नहीं उगाया जाता था। आंसर क्या आ जाएगा, ए, आंसर क्या आ जाएगा, ए, बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ गई,
मधुबाला दीपाली साक्या को अनब्लॉक कर दो, दीपाली साक्या को अनब्लॉक कर दो। भाई ऐसा क्या कर दिया दीपाली साक्या ने? मधुबाला मोगिया एमपी। अच्छा साइंस वाले सर ने किया था, सही कर दिया भाई। तुम कुछ कह रही होगी कुछ उल्टा सीधा सर से, हैं? अब बताओ टीचर हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत से पढ़ाने आते हैं, हैं? सुबह सुबह से कोई कोई तो 6 बजे से क्लास लेता है, 7 बजे से क्लास लेता है, 8 बजे से क्लास लेता है। खाना कभी खाना खाया तो खाया, नहीं तो बगैर खाए आ गए हैं भाई। लेकिन तुम्हें पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ हम बोल देंगे, सर से बोल देंगे तो अनब्लॉक हो जाओगी आप। ठीक है भाई, तो कैमरामैन फोकस करो, अनब्लॉक करो भाई। ठीक है, हो जाओगी अनब्लॉक, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। बस लाइक करते जाओ, लाइकों की संख्या बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन के से नहीं जुड़ा था? इनमें से कौन था जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो भैया होम रूल आंदोलन ये आपका कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था। तो इससे एनी बेसेंट जुड़ी थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे और बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है भाई? आंसर क्या आ जाएगा? ए। अब समझो मेरी बात, ये 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था लखनऊ में, और 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन भी कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। जब 1916 का अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ में होता है तो इसमें भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आती है, मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुए थे? लखनऊ में। कब हुआ था भैया? 1916 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ए सी मजूमदार ने, यानी अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है भैया, तो ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। और फिर इन दोनों के क्या हुए थे? हस्ताक्षर भी हुए थे। इन दोनों के क्या हुए थे? 1916 में हस्ताक्षर भी हुए थे। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। और बकाया हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो देखो, आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। हमने आपको कितने 31 क्वेश्चन करवाए हैं, 31 के आंसर दे दिए। ठीक है भाई, आज की क्लास को हम लोग 1 ही घंटे रखेंगे। और ये आज का क्या है भैया? मोटिवेशन है कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये नशा हमें हिंदुस्तान का है। ये नशा किसका है? हिंदुस्तान का नशा है। ठीक है भाई, ये नशा हमें किसका है? हिंदुस्तान का नशा है। बहुत बढ़िया, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। बकाया आप सभी के लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? आप सभी के लिए बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है, आपका विक्रमादित्य बैच चलाया गया है। MPSI के लिए बहुत अच्छा बैच चल रहा है, विक्रमादित्य बैच। MPSI के लिए विक्रमादित्य बैच चल रहा है, बहुत अच्छा। जो भी बच्चे MPSI की तैयारी कर रहे हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं केवल 799 रुपये में। MP60 क्या करना है आप सभी को, कोड यूज करना है। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, शानदार बैच चल रहा है। हजारों बच्चों ने क्या लिया है, इसको परचेस किया है, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं सिक्वेंस में, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई सिक्वेंस में। ठीक है, तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बताया आप सभी को फिर से एक बार, जय हिंद। कल मिलेंगे 2 बजे।